आज हम बात करेंगे G20 समिट 2023 की। G20 समिट 2023 की प्रिपरेशन हमारी कंट्री इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली में पूरे जोरों शोरों से चल रही है। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर वर्किंग हार्ड टू इंश्योर दैट फॉरेन गेस्ट डू नॉट फेस एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। द दिल्ली G20 समिट विल बी हेल्ड फ्रॉम सैटरडे सेप्टेम्बर 9 टू संडे सेप्टेम्बर 10। लेकिन अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि G20 समिट होता क्या है। G20 या ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज कंप्राइजिंग ऑफ अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन है, जो ईयर 1999 में बनाया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना है और मिडिल इनकम कंट्रीज को इन्वॉल्व करके यह ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, जो कि विशेष रूप से एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को इन्फ्लुएंस करने वाले डिकेड के एंड में फाइनेंशियल क्राइसिस के पीछे आया था। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस ऑन ऑल मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज। इंडिया ने अपने G20 प्रेसिडेंसी के लिए वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को चूज किया है। द फ्रेज नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स इंडियाज इंक्लूसिव अप्रोच बट इट ऑल्सो एम्फसाइजेस इंडियाज पॉलिसी टू रिमेन नॉन पार्टिशियन इन मेनी ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इंडिया से एक्सपेक्टेड है कि ये अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके ग्लोबल साउथ में इम्पॉर्टेंट पावर के रूप में और मजबूती से अपनी स्थिति बनाए रखने का इस्तेमाल करेगा। इसके साथ ही इंडियन फॉरेन पॉलिसी जैसे सेवरल कमेंटेटर्स और जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स को सिक्योर करने में सक्सेसफुल रहे हैं। इंडिया वर्ल्ड को अपने पीस और नॉन एग्रेशन के प्रति अपने कमिटमेंट को कन्विंस करना चाहता है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात, जब चाइना के बारे में रिपोर्टेडली इंडियन टेरिटरी में इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, तो इंडिया वर्ल्ड के लीडर्स को अनपावरफुल नेशंस के एक्सपांशनिस्ट मोटिव्स के डेंजर के बारे में याद दिलाना चाहता है। डिस्पाइट द एग्जिस्टिंग डिस्कॉर्ड्स एंड डिसकंटेंट, द अपकमिंग समिट विल लाइकली सी इंडिया विनिंग मोर फ्रेंड्स वाइल कंपेलिंग द एनिमीज टू जॉइन हैंड्स फॉर अ सेफ एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। कई कंट्रीज के हेड और डिप्लोमैट्स इस मीटिंग में पार्ट लेने के लिए इंडिया आ रहे हैं, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के प्रिपरेशन सक्सेसफुल करने के लिए पूरी तरह से तरक्की पर है। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को 3 डेज के लिए क्लोज रखने के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। एट द सेम टाइम G20 कॉन्फ्रेंस में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी एक डिटेल्ड ट्रैफिक एडवाइजरी जारी किया है, अंडर विच मैनी रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन प्लेस्ड ऑन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ व्हीकल्स इन द कैपिटल। In the same order, the railway has now ordered the cancellation of more than 200 trains due to G20. Delhi police ne elaborate security plans banaye hain, jisme 450 se zyada quick response teams, QRT and PCR vans ki tainati, 50 se zyada ambulance aur firefighting machinery airport, 23 designated hotels, Pragati Maidan, Rajghat और उन रूट्स के साथ जिन्हें डिग्निटरीज और डेलीगेट किया गया है। आई होप मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी रिलेटेड टू G20 समिट। हम मिलते हैं फिर से हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल द स्पोक बॉक्स। थैंक यू।